नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वरियर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल प्रोसेस के बारे में कि आप लोगों के मेडिकल प्रोसेस कब से शुरू होंगे। और इस वीडियो में देखिए दोस्तों, दो तीन पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो मेडिकल प्रोसेस के लिए कब आप लोगों के मेडिकल प्रोसेस शुरू हो सकेंगे, और आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितना जो है बढ़ सकती है, या फिर आप लोग जो फिजिकली क्वालिफाइड हैं इस बार इनको भी सभी को चांस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है आप लोगों की मेडिकल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए डेट आ चुकी है 15 तारीख से आप लोग के मेडिकल प्रोसेस हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेडिकल प्रोसेस डिले भी होते हैं तो 20 से 25 तारीख के बीच में आप लोग के मेडिकल प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक की जो डेट है वो 15 तारीख से आप लोग के मेडिकल प्रोसेस है। और एक दो दिन में आप लोगों को अपडेट भी देखने को मिल जाएगी सीआरपीएफ की तरफ से ये, और कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी आप लोग की मेडिकल पॉइंट के लिए। अब देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार जो आप लोग की भर्ती प्रक्रिया है, पहले जो है 12 गुना एस्पिरेंट्स को लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है 8 गुना एस्पिरेंट्स को लिया गया है फिजिकल के लिए। तो काफ़ी कम एस्पिरेंट्स इस बार फिजिकल प्रोसेस में लिए गए हैं, और इसमें से भी काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार समय बिल्कुल नहीं दिया गया है फिजिकल के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर फिजिकल के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट भी बननी है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में 2 गुना एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर जहाँ पर ना के बराबर एस्पिरेंट्स होंगे वहाँ तो 2 गुना एस्पिरेंट्स कंप्लीट उठा लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा एस्पिरेंट्स होंगे वहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग की जो कट ऑफ होने वाली है ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की 1 से 2 मार्क्स ही बढ़ेगी, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 से 2% की बात कर रहा हूँ, यानी 2 से 4 मार्क्स। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स पास हुए होंगे अभी आप लोग के फिजिकल प्रोसेस में, ये आप लोग के 2 से 4 गुना के बीच में ही एस्पिरेंट्स पास हुए होंगे, इससे ज़्यादा एस्पिरेंट्स पास नहीं हुए होंगे। कहीं पर 4 गुना भी हो गए होंगे, कहीं पर 2 गुना भी नहीं हो पाए होंगे। तो स्टेट वाइज डाटा होता है, तो स्टेट वाइज प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं फिजिकल के लिए। मैंने बता दिया कि फिजिकल जो प्रोसेस जो कैंडिडेट होंगे, कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे जहाँ पर 2 गुना ही एस्पिरेंट्स पास हुए होंगे, तो यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है उनको मेडिकल का चांस मिल जाएगा। जहाँ पर मल्टीपल बाय 4 या मल्टीपल बाय 3 एस्पिरेंट्स पास हुए होंगे वहाँ पर जो कट ऑफ है वो 2 से 4 मार्क्स बढ़ सकती है। तो 2 से 4 मार्क्स इस बार कुछ ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स का ही जो क्वेश्चन का ही इसमें हेर फेर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेडिकल पॉइंट के लिए कि आप लोग को मेडिकल में जाने से पहले अपना प्री मेडिकल जरूर करा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट मेडिकल की पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि किस तरीके से मेडिकल प्रोसेस होता है, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेडिकल में जाने से पहले जो भी ये पॉइंट है इनके लिए आप लोगों को मेडिकल प्री मेडिकल चेकअप जरूर करा लेना है। किसी भी पॉइंट में अगर आप लोग को दिक्कत है तो अभी से आप अपनी उस दिक्कत को कंप्लीट कर लीजिए। री मेडिकल में पास होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो री मेडिकल के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, अपना जो प्रोसेस है वो अभी कंडक्ट करा लें, जिससे आप लोग डीएमई में ही क्वालिफाइड हो जाएँ, आप लोग आर्मी में जाने की जरूरत ना पड़े। तो डीएमई में क्वालिफाई हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं पास होने के, आर्मी में कम चांसेस होते हैं। बाकी देखिए, काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी आईज में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप लोगों को लेसिक भी कराना है, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए, आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर ये देखिए यहाँ पर एल्बो एंगल की दिक्कत है तो भी आप लोग अभी चेक करा सकते हैं डॉक्टर पास जाकर, तो वहाँ से जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग जो मेडिकल के लिए फिट हैं या नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को प्री मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को कुछ किस पॉइंटों पर खास ध्यान देना है, मेडिकल प्रोसेस कब से शुरू होंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी कट ऑफ के रिगार्डिंग देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज होगी, तो सभी स्टेट की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। आप लोग की 1 से 2 दिन में कट ऑफ आ जाएगी, तो आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, ना ही इसके रिगार्डिंग कमेंट करें ज़्यादा, लेकिन आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन कीजिएगा कि आप लोग किस स्टेट से हैं और फिजिकली क्वालिफाइड हैं या नहीं है, और आप लोग के मार्क्स कितने हैं वो जरूर कीजिएगा, कितने मार्क्स आप लोग कट ऑफ से ऊपर हैं ये भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।